किसी भी सब्जेक्ट की हैंड नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, अनसॉल्व पेपर, अनसॉल्व पेपर वीडियो लेक्चर सॉल्यूशन, ऑनलाइन टेस्ट और भी बहुत कुछ यदि आप पाना चाहते हैं तो आज ही बैच को ज्वाइन करें। 60% ऑफ चल रहा है 10 सितंबर तक, जिसकी शुल्क मात्र 400 रुपये पूरे एक साल के लिए। 10 सितंबर के बाद 1000 रुपये शुल्क कर दिया जाएगा, तो देर किस बात का, अभी ज्वाइन करें 8840452410, हमें व्हाट्सएप करें और वहां से बैच को ज्वाइन करें। वेलकम है आपका, क्लास 12 मैथ्स, लेखक हैं अजय कुमार अग्रवाल। इस किताब से मैं वीडियो अभी बना रहा हूं फिलहाल में, ये इसका पूरा फुल वीडियो मिलेगा। प्रश्नावली जो चैप्टर एक है, 1 से लेकर 13 अध्याय तक टोटल आपको वीडियो मिलेगा। यदि आपके स्कूल में ये चलेगा तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर दूसरा चलता है तो उसके बारे में भी मैं अभी बता देता हूँ कि किसका वीडियो कैसे आपको मिलेगा। देखिए, लेखक है अजय कुमार अग्रवाल, ये सबसे बेस्ट माना जाता है एनसीईआरटी के लिए, तो इसके लिए यही मैं अभी चला रहा हूँ। तो जितने भी विद्यार्थी अजय कुमार अग्रवाल से पढ़ना चाहते हैं इस वीडियो को पूरी तरह देखें, और प्रतिदिन लाइव क्लासेस 6 बजे चलाया जाता है। बात करेंगे इसके, बुक अगर आपके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका पीडीएफ फाइल दे दिया है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर लीजिए। क्योंकि अगर जब तक आप बुक का पीडीएफ नहीं डाउनलोड करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं कहाँ से बता रहा हूँ और कैसे कैसे सवाल इसमें मौजूद है। अब बात करेंगे जिसके पास हर्षरूप शर्मा का किताब है उससे अगर पढ़ रहा है, तो हर्षरूप शर्मा का वीडियो लेक्चर, वीडियो सॉल्यूशन जो है अध्याय 1 से 13 तक मैंने पूरा बना दिया है। किसका, हर्षरूप शर्मा का 1 अध्याय से लेकर 13 अध्याय तक टोटल वीडियो मैंने बना दिया है। इसका जो वीडियो लिंक है वो प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी क्लिक करके A to Z पढ़ सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हर्षरूप शर्मा का मुझे वीडियो नहीं चाहिए, मुझे पीडीएफ फाइल चाहिए, तो उसका भी पीडीएफ फाइल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिए। जिसके में अगर एनसीईआरटी चल रहा है तो एनसीईआरटी का भी वीडियो यहां पे टोटल सॉल्यूशन मैंने कर रखा है अध्याय 1 से लेकर 13 तक। यदि आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है तो 1 से 13 तक ये भी वीडियो सॉल्यूशन जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यदि चाहते हैं कि एनसीईआरटी का मुझे पीडीएफ फाइल में सॉल्यूशन चाहिए टोटल, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो जितने भी वीडियोस हैं वो सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वो लिंक आप डाउनलोड कर लीजिए। और रही सबसे खास बात अजय कुमार अग्रवाल का, तो ये मैं 1 से 13 तक अध्याय बताने वाला हूँ। इस सीजन में मैं अजय कुमार अग्रवाल को चलाऊंगा, और इसका जो पीडीएफ फाइल सॉल्यूशन होगा वो अभी मैन्युफैक्चरिंग कराया जा रहा है, मेरी टीम अभी उस पर बना रही है। जैसे ही बन जाएगा इसका भी आपको पीडीएफ फाइल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है प्रश्नावली 2.1 जो था वो कल के वीडियो में, पिछली क्लास में मैंने इसको पूरी तरह से एंड कर दिया था, ठीक है। तो आज मैं क्या आपको बताने वाला हूँ, इसके आगे के जो पहले एग्जाम्पल्स हैं वो बताएंगे, क्योंकि एग्जाम्पल से ज़्यादातर प्रश्न फंसने के चांसेस होते हैं जो टोटल एनसीईआरटी बेस पर हैं। तो चलिए सबसे पहले वो बताएंगे, उसके बाद हम आपको अपने इस सिलेबस के कोर्स प्रश्नावली बताना शुरू करेंगे। देखिए, पहला जो सवाल है वो बोला है साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो ये मुख्य मान का जो सवाल है सबसे ज़्यादा पूछा है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए इस चीज़ को आप समझिएगा, ये टोटल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस पर ये मौजूद है। ये क्वेश्चन जो पूछा है वो एनसीईआरटी में पूछ चुका है, तो चलिए इसको हम बताकर सॉल्यूशन कर देते हैं। अब किसी स्टूडेंट को अगर ये दिक्कत हो रही है कि सर डिस्क्रिप्शन में मैं नहीं पहुंच पाता या लिंक मैं नहीं क्लिक कर पाता या मुझे समझ में नहीं आता, तो उसके लिए आपको एक सिंपल सा तरीका है, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, जिसका नाम है स्टडी नॉलेज। तो आप क्या करेंगे, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि प्ले स्टोर पे अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं तो यहाँ से आपको हर्षरूप शर्मा, एनसीईआरटी और अग्रवाल सभी के पीडीएफ फाइल और वीडियो लेक्चर सॉल्यूशन आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। तो स्टडी नॉलेज डाउनलोड कर लीजिए, जितने लोगों ने डाउनलोड किया है वो इस फीचर का आनंद उठा सकते हैं। हल करेंगे, साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात करना है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना साइन इनवर्स 1/√2 के बराबर वाई, ठीक है। ये जो प्रश्न है इसको मैंने वाई के फॉर्म में मान लिया, ठीक है। मानने के बाद इस साइन इनवर्स को भेजेंगे राइट हैंड साइड, तो यहां पे हो जाएगा 1/√2 बराबर साइन वाई, ये चीजें मिल गया। अब यहां पे समझिएगा ये किसका वैल्यू है, 1/√2 वैल्यू किसका है, तो साइन के फॉर्म में ही इसका वैल्यू हमें पता करना है, तो ये वैल्यू होता है साइन पाई बाई 4 की वैल्यू होता है। तो इसकी मान क्या है, साइन पाई बाई 4 का वैल्यू होता है, और यहाँ पे हो गया साइन वाई, कुछ इस तरह से मिल गया। तो यहाँ से आपको क्या करना है, इस साइन को अगर इधर भेजेंगे तो फिर से मिल जाएगा साइन इनवर्स
और ब्रैकेट में साइन पाई बाई फोर इज इक्वल टू वाई। ठीक है, साइन इनवर्स और साइन अपवर्थ में दिख रहा है तो यहां से हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, मिल जाएगा पाई बाई फोर इज इक्वल टू वाई। तो इस तरह से ये हमें देखने को मिल गया। और वाई बराबर क्या था, वाई बराबर था साइन इनवर्स वन अपॉन रूट टू। तो लिखेंगे पाई बाई फोर जो किसका वैल्यू है, साइन इनवर्स वन अपॉन रूट टू, मतलब इसका मुख्य मान मैंने ज्ञात किया तो वो आ गया पाई बाई फोर। तो सिंपल तरीके से आपने समझ लिया इसका मुख्य मान क्या होगा, तो लिखेंगे मुख्य मान बराबर पाई बाई फोर। इस तरह से भी अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको एक नंबर देने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप और इजी तरीका है आज ज्ञात करने का कि मुख्य मान कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए सेकंड तरीका देखिए। अब देखिए ये जो सेकंड क्वेश्चन है वो है कॉट इनवर्स माइनस वन अपॉन रूट थ्री, इसका मुख्य मान पूछ रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी में पूछ चुका है, तो एनसीईआरटी के जो अभी सिलेबस चेंज हुए 2018 से इसमें ये पूछ चुका है। तो इस क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से आपको हल करना है। इसमें भी आपको सिंपल वही चीजें करना है, सबसे पहले लिखना है माना कॉट इनवर्स माइनस वन अपॉन रूट थ्री के बराबर क्या मानेंगे, वाई मानेंगे। देखिए लगाने का तो बहुत तरीका होता है, आप मुख्य मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन मायने ये रखता है कि किस किस स्टेप से हम गुजरते हैं जिससे हमारा एक नंबर पूरा दे दे एग्जामिनर, क्योंकि स्टेप देखेगा आपका ये मान आंसर नहीं मिलाएगा, वो आपका स्टेप देखता है कि किस स्टेप से आप गुजरते हैं। इसको भेजेंगे राइट हैंड साइड तो मिल जाएगा कॉट वाई बराबर इधर हो जाएगा माइनस वन अपॉन रूट थ्री। ठीक है, इसको यहाँ पे भेज दिया और इसको आगे पीछे पक्षांतर कर सकते हैं। इस तरह से मुझे ये मिल गया। अब क्या करना है कि ये माइनस वन पर रूट थ्री जो है ये किसका वैल्यू होता है, अगर ये कॉट के फॉर्म में है तो ये भी कॉट के फॉर्म में हमें मान चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ये किस कॉस के रूप में चेंज करे, क्योंकि कॉस में वन अपन रूट थ्री वैल्यू होता ही नहीं है, ये कॉट के रूप में ही होता है और टैन के रूप में ही मान होता है, तो उसी रूप में हम इसको चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, कॉट वाई इज इक्वल टू ये जो वैल्यू है माइनस हमारा माइनस यहाँ पे हो जाएगा, ये वैल्यू है कॉट पाई बाई थ्री का वैल्यू। तो मैंने लिख दिया माइनस को बाहर कॉट पाई बाई थ्री वैल्यू। अब यहाँ से अगर माइनस जो हमें दिख रहा है माइनस को इंक्लूडेड करेंगे तो ये मिल जाएगा कॉट पाई माइनस पाई बाई थ्री इसका वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि 180 माइनस थीटा अगर घटाएंगे तो ये जो माइनस है हमारा इंक्लूडेड हो जाएगा। कॉट 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस कॉट थीटा होता है। तो इस तरह से, क्योंकि आपको भी पता है हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा कि 180 में मान चेंज नहीं होता है, 90 डिग्री में चेंज होता है। अगर पाई बाई टू होता तो कॉट का टेन हो जाता, लेकिन यहाँ पे 180 डिग्री मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि कॉट 180 मतलब पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा होता है। तो इस वैल्यू को हम इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये मिल गया। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, ये वैल्यू है तो ये लिखेंगे वाई बराबर, ये जो कॉट है इस कॉट को हम पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स के रूप में, ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में है कॉट पाई माइनस पाई बाई थ्री दिख रहा है, तो ये हो गया पाई माइनस पाई बाई थ्री, इस तरह से हो गया। तो यहाँ पे इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ये एंगल को चेंज कर लेना है, मतलब इसको सॉल्व करेंगे, इसके अंदर हम पहले सॉल्व करेंगे फिर इसके बाद कॉट इनवर्स को कॉट से कैंसिल करेंगे। तो कॉट इनवर्स ये हो जाएगा कॉट ये 3 पाई माइनस पाई, तो 3 पाई में से पाई घट जाएगा 2 पाई हो जाएगा बाई 3, इस तरह से ये मिल गया। अब कॉट इनवर्स से कॉट को हम अगर यहाँ पे कैंसिल करते हैं तो क्या मिल जाएगा, 2 पाई बाई 3 मिलेगा, ये वाई का वैल्यू। मतलब आप समझ गए होंगे कि वाई बराबर क्या मैंने माना था ऊपर, वाई बराबर मैंने माना था कि कॉट इनवर्स माइनस वन पॉइंट थ्रू, मतलब क्वेश्चन को मैंने वाई माना था, तो ये क्वेश्चन बराबर हमारा ये आ जाएगा मुख्य मान। तो आप समझ गए होंगे कितने आसान तरीके से आप मुख्य मान ज्ञात कर सकते हैं। स्टेप अगर आपका सही रहेगा तो आपके सारे के सारे नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन में बोला है साइन इनवर्स साइन 5 पाई बाई 4 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक का है, क्योंकि इस तरह से ये सवाल पूछता है तो मुख्य मान ज्ञात करने में हो सकता है आप लोगों को परेशानी समझ में आ रही हो। तो आपको यहाँ पे वही रूल अपनाना है, सबसे पहले मानना है, माना वाई बराबर हमारा ये जो क्वेश्चन उसको मान लेते हैं साइन इनवर्स साइन 5 पाई बाई
4, ये मैंने कर लिया। ये जो साइन इनवर्स है, अगर हम इसको यहाँ पे भेजेंगे तो ये हमारा हो जाएगा साइन वाई बराबर, ये क्या है, साइन 5π/4, इस तरह से ये मिल गया। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे कि ये जो साइन 5π/4 है इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए। तो यहाँ पे साइन 5π/4 को क्या लिखना है, लिखेंगे साइन पाई प्लस, ठीक है, पाई प्लस 5/4। अब देखिए कैसे, अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो 4π + π मिलके 5π/4 हो जाएगा, मतलब इसको हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं। अब बात उठती है कि ये सर हम चेंज कैसे करते हैं, इसका नियम क्या होता है, तो इसका नियम सिंपल है कि जो हम हाई स्कूल में यूज करते थे, जैसे मान लीजिए हाई स्कूल में एक आपने सवाल देखा होगा कि साइन 1920 को सॉल्व करिए, तो 1920 को हम कैसे करते थे, इसको हम इस तरह से कहते थे कि 360 गुड़े 2 या गुड़े 3 प्लस 180, ऐसे करके हम लोग सॉल्व करते थे। तो उसी फॉर्म में हम यहाँ पे रेडियंस से ही हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं कि पाई प्लस पाई बाई 4 करने से क्या मिल जाएगा, 180 प्लस पाई बाई 4 मिला के 5π/4 का मान मिल जाएगा, इस फॉर्म में हम कर रहे थे। अब देखिए यहां पे क्या मिलेगा, साइन पाई प्लस पाई बाई 4 का मतलब साइन 180 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन 180 पे तो मान चेंज नहीं होगा, तो पहले साइन का साइन लिखेंगे और एंगल हमारा पाई बाई 4 है, पाई बाई 4 लिख दिया। बात उठती है कि साइन 180 एंगल पे साइन का मान माइनस होता है या प्लस, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो बता देते हैं। साइन 180 डिग्री पे मान तो चेंज नहीं होगा, लेकिन इसके जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा, तो माइनस साइन पाई बाई 4 मिल जाएगा, तो यहां से ये मिल गया। या साइन इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन माइनस पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, ये भी फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन थीटा को साइन माइनस थीटा ये कर सकते हैं। ठीक, इतना करने के बाद यहाँ पे हमारा वैल्यू ये क्या आ रहा था, साइन वाई आ रहा था, तो इस तरह से ये हमें देखने को मिल गया। फिर से वाई बराबर क्या करेंगे, तो ये जो साइन हमारा इधर जाएगा तो वो हो जाएगा साइन इनवर्स, और ब्रैकेट में ये क्या है, ये हमारा है साइन माइनस पाई बाई 4 दिख रहा है, साइन इनवर्स से साइन को यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो वाई बराबर हमारा मान मिल जाएगा माइनस पाई बाई 4, तो ये हमारा हो गया मुख्य मान। ठीक है, ये भी आसान तरीके से आपने ज्ञात कर लिया, जहां पे भी समझ में नहीं आया, अगर समझ में बीच में नहीं आता है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो बेसिक है वो कमजोर है, क्योंकि मैं छोटे छोटे लेवल से लेकर चल रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ सके, तो अपने बेसिक को ध्यान दें। ज़्यादातर हाई स्कूल के जो फॉर्मूले हैं त्रिकोणमिति के, वो आप थोड़ा देखने की कोशिश करें, इससे रिलेटेड जो पाई प्लस पाई वे इससे रिलेटेड है वो देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये रहा सवाल, सिद्ध कीजिए कि कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉट इनवर्स 3/4 बराबर कॉट इनवर्स 1/3, तो इसको हमें लेकर चलना है और ये चीज़ें लाना है, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा राइट हैंड साइड है, तो आपको पता है चाहे राइट हैंड साइड से सॉल्व करिए लेफ्ट लाइए, चाहे लेफ्ट हैंड साइड से राइट लाइए, कोई भी करके आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना बहुत ही आसान है, हम लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू को ले लेते हैं हल और लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन उतार लेते हैं, कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉट इनवर्स 3/4, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का क्वेश्चन रहा, तो इस क्वेश्चन को मैंने ले लिया। यहाँ पे क्या करना है, कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉट इनवर्स, ये तो मतलब यहाँ पे हमें एक सूत्र को यूज करना है, अगर सूत्र यूज करेंगे तो आसानी से इसको हल कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो सूत्र यूज करना है वो मैं लिख लेता हूँ। सूत्र देखिए, कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई, इसका फॉर्मूला आपको लगाना है, यदि ये टैन के रूप में होता तो आपको फॉर्मूला पता था। देखिए टैन का क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ, टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स प्लस वाई, यहाँ पे टैन इनवर्स होता है टैन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - xy, ये तो होता है टैन के लिए, लेकिन अगर इसी चीज को कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई का फॉर्मूला हम निकालें तो क्या मिल जाएगा, इसका फॉर्मूला मिल जाएगा कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, ये हमें सूत्र मिल जाएगा
किसका, कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई, इसका सूत्र हमें ये चीज़ें मिल जाएगा। तो यहाँ पे यही चीज़ें हम इस रूप में चेंज करेंगे तभी हमारा आंसर आएगा, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स वाई, तो एक्स का वैल्यू 3 है, वाई का वैल्यू 3/4, ये एक्स का वैल्यू है और ये वाई का वैल्यू, तो एक्स के स्थान पे 3 हो गया इंटू वाई के स्थान पे 3/4 हो गया, माइनस के 1 है 1 कर दिया, तो नीचे करेंगे x प्लस वाई मतलब 3 + 3/4, ये मैंने फॉर्मूले में रख दिया। हल करना है कॉट इनवर्स 3 × 9/4 - 1, नीचे 4 × 12 = 15/4, ये हो गया। अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, कॉट इनवर्स ये हो जाएगा 9 - 4 = 4 टोटल के 4/4, नीचे हो गया 15/4 हो गया। अब देखिए ऊपर को घटा लेते हैं, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स 9 - 4 = 5/4, नीचे हो गया 15/4, तो यहाँ से 4 से 4 को कैंसिल करेंगे, इसको 5 × 3 = 15 करेंगे, तो इस तरह से ये भी कैंसिल हमारा हो गया। तो क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा कॉट इनवर्स, ऊपर एक बार में कटा नीचे 3 बार में कटा, 1/3 मिल जाएगा। तो कॉट इनवर्स 1/3 हमें जो प्रूफ करना था वो आ चुका है राइट हैंड साइड के रूप में। तो ये आसानी से आप ज्ञात कर चुके हैं। तो आपको फॉर्मूला कौन सा याद रखना है, ये कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई का ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये भी फॉर्मूला कहीं कहीं अभी सवाल आएगा आगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये फॉर्मूला कब यूज करना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो 5वां सवाल है, इस सवाल को यदि आप कहीं छोड़ देते हैं तो मिस करेंगे, तो मिस नहीं करना है क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं। टेन इनवर्स 1/2 + 10 इनवर्स 1/3 = 5/4, ये हमें सिद्ध करना है, और कितनी बार पूछा है वो भी लगातार पूछा है, ये भी चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है। तो आपको क्या करना है, इस सवाल को कंप्लीट तैयार करना है। जितने लोगों ने तैयार कर लिया है ठीक है, नहीं किया तो इस सवाल को अभी देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सवाल है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, हल करेंगे। देखिए एग्जाम में लिखने का तरीका भी मैं यहाँ पे बताते चल रहा हूँ कि किस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है। ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड क्या चीजें हैं, टेन इनवर्स 1/2 + 10 इनवर्स 1/3, ये मैंने सवाल को ले लिया, इस लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करके हमें ये चीजें लाना है। यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगेगा, मैं यहाँ पे सूत्र को लिख देता हूँ। सूत्र है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 - xy, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको यूज यहाँ पे करना है। तो देखिए इस रूप में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे टेन इनवर्स पहले दिख रहा है, तो लिखेंगे टेन इनवर्स ब्रैकेट में x के स्थान पे हमारा ये वैल्यू दिख रहा है, y के स्थान पे ये वैल्यू दिख रहा है, इन्हीं दोनों वैल्यू को यहाँ पे हमें पुट करना है। तो ये हो जाएगा 1/2 फिर प्लस y का मान क्या है 1/3, 1/3 कर लिया बटे के 1 - xy, तो इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे 1/2 × 1/3, मान को मैंने पुट कर लिया। अब जिसको हल करने आएगा वो हीरो बन जाएगा, जिसको नहीं आएगा वो जीरो बन जाएगा। टेन इनवर्स इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो वो हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा गुणा यहाँ पे, ये गुणा यहाँ पे, तो 3 + 2, ये अंश का मैंने हल कर लिया। हर का देखिए 1 - ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे, क्योंकि गुणा के रूप में ऊपर नीचे नीचे होता है, तो 1 * 1/3 × 6, इस तरह से मैंने ये कर लिया। अगला स्टेप समझिए, टेन इनवर्स 3 × 2 = 5/6, यहाँ पे 6 × 6 - 1/6, ये सॉल्व हो गया। अब अगला स्टेप समझ लीजिए, टेन इनवर्स 5/6 नीचे 6 - 1/5 हो जाएगा 6/6, तो ये 6 से 6 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, ठीक है, सभी आपस में कैंसिल हो गया, तो ये मिल जाएगा यहाँ पे 1 ना, तो लिखेंगे टेन इनवर्स 1।
अब यहाँ पे करने के बाद आपको रुक जाना है और आपको यहीं पे दिमाग लगाना है, समझना है कि ये जो वन है वो किसका मान होता है। तो ये जो वन होता है वो मान है टेन पाई बाई फोर, मतलब टेन 45 डिग्री का जो मान होता है वो होता है वन। तो टेन इनवर्स से टेन को यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो वो मिल जाएगा केवल पाई बाई फोर। और यही चीज़ें मुझे राइट हैंड साइड में लाना था, इसलिए इस तरह से सिंपल और आसानी तरीके से स्टेप बाई स्टेप करेंगे तो आपको सारे के सारे आंसर और नंबर भी मिलते चलेंगे। ठीक, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला सवाल है वो है, सिद्ध कीजिए कि टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4। जितने लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, कम से कम वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं और ये लाइव क्लास अगर चला रहे हैं, देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं, तो कम से कम आप लोगों को ये भी पता चलना चाहिए कि हाँ सर मुझे समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, क्योंकि लाइक करने का पैसा नहीं लगता है। देखिए ये सवाल है, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड सवाल हमारा है टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 2/11। सूत्र आपका सेम वही रहेगा, एक बार और सूत्र लिख देते हैं क्या, ताकि आपको याद हो सके। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर सूत्र क्या था, टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। सेम वही सवाल है, बस मान को चेंज कर दिया गया है। ठीक है, आगे क्या करेंगे ये समझिए। ये है tan इनवर्स ब्रैकेट में x के स्थान पे 1/2 रखिए प्लस y के स्थान पे 2/11 रखिए, ये मैंने पुट कर लिया, 1 माइनस 1/2 × 2/11। ठीक है, मैंने पुट कर लिया मान को। आगे tan इनवर्स एलसीएम लेंगे तो 11 × 22 एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 + 4। नीचे क्या है, 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे बचा 1/11। तो 11 × 11 - 1, तो 11 - 1/11। ठीक है, आगे समझिए, tan इनवर्स 11 × 4 = 15 हो जाएगा, 22, और 11 में से 1 जाएगा 10/11। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे कैंसिल करना है, 11 × 22 और 5 × 3 = 15 और 5 × 2 = 10, तो यहाँ 3/2/2/1 इस तरह से ये हमें मिल गया। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, tan इनवर्स ऊपर बचा 3, नीचे 2 बार में कटा, फिर यहाँ पे 2 बार में कटा, फिर यहाँ पे 1 बार में कटा, तो इस तरह से ये हमें मिल गया। अब इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। कैसे, tan इनवर्स पहले 3/2 लिखिए, फिर गुणा करके इसको पलट दीजिए, 1/2 कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से। अब यहां से क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स यहां पे 3 × 3/2 × 2 = 4। ठीक है, ये मिल गया 3/4। अब हमें देखना है कि राइट हैंड साइड यही लाना था या नहीं, तो चलिए ऊपर हम मिला लेते हैं कि राइट हैंड साइड में 3/4 लाना था या कुछ और लाना था। तो ये देखिए, tan इनवर्स 3/4 लाना था, जो राइट हैंड साइड में वो इस तरह से करके आप इसे निकाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपको इसके आगे के क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि ये देखिए बेसिक लेवल है, अगर बेसिक लेवल आपका तैयार नहीं रहेगा तो इसमें जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है वो आपको मैं नहीं बता पाऊंगा। दूसरी चीज़ें, ये जो अध्याय नंबर 2 मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2 खत्म होने के बाद आपके अनुसार ये चलेगा कि कौन सा चैप्टर मैं उठाऊँ। देखिए जो चैप्टर चलेगा वो ज़्यादा कमेंट जिस चैप्टर पर रहेगा उसी चैप्टर को मैं पढ़ाने वाला हूँ। जैसे बहुत लोगों का कमेंट है कि सर समाकलन पढ़ाइए, बहुत लोगों का कमेंट है कि सर अवकलन पढ़ाइए, तो जो आपको ज़्यादातर जिसका कमेंट आएगा उसी को मैं पढ़ाने वाला हूँ। चैप्टर नंबर 1 पढ़ाइए या 2 तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, या 3 पढ़ाइए, 4 पढ़ाइए, 5, 6 जो भी कहेंगे वही चैप्टर चलेगा। तो वो चैप्टर ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा। तो कमेंट कीजिए और बताइए कि कौन सा चैप्टर इसके आगे शुरू करना है, पहले ये 2 चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तभी वो चैप्टर आपको शुरुआत करेंगे। तो जितने लोगों ने कमेंट किया, कमेंट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो लाइक नहीं करेंगे तो आपको मेरे पास आपके वो जो नोटिफिकेशन वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो सिंपल तरीका ये समझना है कि वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि अगला चैप्टर कौन सा उठाना है। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।